हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में, ये क्या है और कैसे यहाँ पर कम नंबर में आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाता है। अगर आपका भी नीट 2023 के अंदर लो स्कोर आया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो डालें तो आपके पास अपडेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है और कैसे यहाँ पर आपको कम नंबर में भी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाता है। जब आपकी दोस्तों काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले होता है फर्स्ट राउंड, उसके बाद होता है सेकंड राउंड और उसके बाद होता है मॉप अप राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कट ऑफ फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन मॉप अप राउंड में कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों इतनी भी कम नहीं होती, बस 4 से 5 नंबर का फ़र्क वहाँ पर पड़ता है, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 नंबर का। लेकिन दोस्तों अगर आपके केवल 500 नंबर हैं या फिर 400 नंबर है तो भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, फैक्ट क्या होते हैं, वो अब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है इसका मतलब होता है कि लास्ट राउंड। लेकिन दोस्तों काफ़ी जो कॉलेजेज हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो सीटें खाली रह जाती है। वैसे तो दोस्तों मॉप अप राउंड ही अंतिम राउंड होता है, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो है सीटें जो है छोड़ देते हैं और उनको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो हर एक कॉलेज में 5 से 10 सीटें जो है दोस्तों वैकेंट रह जाती है और उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है। काफ़ी कॉलेजेस के अंदर फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू जो है दोस्तों आपको एडमिशन मिलता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों फिजिकल अपीयरेंस का, मान के चलो किसी कॉलेज ने एक नोटिस लगाया, कॉलेज के अंदर ही वो नोटिस लगता है दोस्तों और ऑनलाइन नहीं आता है काफ़ी कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पर जो है नोटिस लगा दिया जाता है कि जैसे कि 15 अगस्त को आपका जो है मान के चलो उन्होंने नोटिस लगा दिया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना है दोस्तों, तो ये हो सकता है कि सभी को ना पता चले, आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही पता चले 15 अगस्त को होना है। तो वहाँ पर 15 अगस्त वाले दिन 10 सीटें वैकेंट है और स्टूडेंट पहुँचे हैं 100, और इन 100 स्टूडेंट्स में दोस्तों अगर आपका स्कोर है 400 और आप जो है इन टॉप 10 के अंदर लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो नोटिस कॉलेज के अंदर चिपकाया जाता है वो सभी के पास नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसके लिए आपको कॉलेज विजिट करने होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी टीम आपके लिए विजिट करेगी और आपको जो है हर एक कॉलेज के बारे में बताएगी कि कहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड किस डेट को होना है, जिससे कि दोस्तों आप जो है कम नंबर होते हुए भी वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पर कम नंबर होते हुए भी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों वहां पर फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। करीबन दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है वहां पर तो 15 लाख पर एनम होती है, लेकिन दोस्तों कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, 5 से 7 लाख पर एनम दोस्तों वहाँ पर आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि अगर आपका स्कोर 500 है और आपकी फीस पर ईयर की 7 लाख होगी तो 35 लाख के अंदर दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर भी आपका एडमिशन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों उनके लिए प्रॉपर जानकारी होनी ज़रूरी है। ये प्रॉपर जानकारी हम जो है आपको अपने चैनल पर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसके अंदर भी आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर भी मैं सारी डिटेल जब काउंसलिंग शुरू होगी दोस्तों आपको बताता रहूँगा। बाकी दोस्तों और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, या फिर आप कुछ हिडन फीस दे करके भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं नहीं दे सकते, दोस्तों सब कुछ होता है, मैं आपको टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, बस आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपका थोड़ा कम स्कोर बन रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास BAMS, BDS, AIPVT, BSc नर्सिंग बहुत से ऑप्शन हैं, वो भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।